गुबरेला एक ऐसा कीड़ा है जो खेतों में आमतौर पर दिख जाता है। यह आपको गोबर या अन्य तरह के मल को गोल आकार में करके लुढ़काता नजर आता है। गुबरेला काले रंग का होता है और अंग्रेजी में इसे स्क्रब बीटल कहते हैं या डंग बीटल कहते हैं। गुबरेला अन्य जानवरों के मल को खाकर जिंदा रहता है। गुबरेला दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में शामिल है और यह अपने वजन का 40 गुना भार उठा लेता है। गुबरेला गोबर के छोटे छोटे गोले बनाता है और अपने पीछे के पैरों से लुढ़काते हुए उन्हें नियत स्थान पर ले जाता है। प्राचीन इजिप्ट में गुबरेला पवित्र माना जाता था और एक गुबरेला देवता भी हुआ करते थे। गुबरेले दिखने में भले खतरनाक होते हैं पर इनसे इंसानों को कोई खतरा नहीं होता है। गुबरेले हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। गुबरेलों का अध्ययन करने वाले बताते हैं कि कुछ गुबरेले बेहद मौका परस्त होते हैं। गुबरेलों का इस्तेमाल प्राचीन काल में गहने बनाने के लिए भी किया जाता था। गोबर भृंगों का शरीर काला, गोल, 6 पैर और लंबे उड़ने वाले पंख होते हैं जो कठोर सुरक्षात्मक आवरणों के नीचे मुड़े होते हैं। कुछ नर गोबर भृंगों के सिर पर मजबूत सींग भी होते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया भर में हर महाद्वीप पर पाए जाने वाले ये शानदार कीड़े गर्म शुष्क रेगिस्तान से लेकर हरे भरे जंगलों तक के आवासों में रहते हैं। और क्या आपको पता है कि ये कीड़े क्या खाना पसंद करते हैं? हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, गोबर या जानवरों का मल, जैसा कि आप इसे कह सकते हैं। गोबर भृंग यानी गुबरेला के 3 मुख्य प्रकार हैं। प्रत्येक का नाम उस तरीके के आधार पर रखा गया है जिस तरह से भृंग अपने द्वारा खोजे गए मल का उपयोग करते हैं। रोलर गोबर को गेंदों का आकार देते हैं और उन्हें ढेर से दूर लुढ़का कर ले जाते हैं। फिर वे गेंद को या तो बाद में चबाने के लिए या अपने अंडे देने के लिए जगह के रूप में उपयोग करने के लिए दफना देते हैं। टनलर्स गोबर के ढेर में गोता लगाते हैं। आमतौर पर एक नर मादा जोड़ी में काम करते हैं और इसके नीचे एक सुरंग खोदते हैं। मादा भृंग फिर सुरंग में रहकर नर द्वारा लाए गए गोबर को अलग करती है। दूसरी ओर डवेलर्स बस मल के ढेर के अंदर रहते हैं। मादा डवेलर्स वहां अपने अंडे देती हैं और जब लार्वा या बच्चे निकलते हैं तो वे अपने आसपास के भोजन को खुशी खुशी चबाते हैं। तो कीट मल क्यों खाना चाहेंगे, यह एक दिलचस्प सवाल है। खैर, जब कोई जानवर जैसे कि हाथी, गाय या गैंडा कोई स्वादिष्ट भोजन खाता है तो हमेशा भोजन के कुछ हिस्से उसके शरीर से बिना पचाए निकल जाते हैं और उसके गोबर में चले जाते हैं। ये बिना पचाए भोजन के पौष्टिक टुकड़े होते हैं जिन्हें गोबर भृंग खाते हैं। लार्वा ठोस मल खाते हैं जबकि वयस्क भृंग आमतौर पर गोबर के अंदर पाई जाने वाली पौष्टिक नमी को चूसते हैं। ये शानदार जीव भले ही छोटे हों लेकिन ये वाकई बहुत ताकतवर हैं। वास्तव में अपने आकार के हिसाब से गोबर भृंग न केवल दुनिया का सबसे ताकतवर कीट है। गोबर के गोले चलाते समय एक रोलर अपने वजन से 1141 गुना ज़्यादा वजन खींच सकता है। यह एक इंसान द्वारा सड़क पर 6 डबल डेकर बसों को खींचने के बराबर है। नर गोबर भृंग भी अपनी ज़बरदस्त ताकत का इस्तेमाल लड़ने के लिए करते हैं। जब वे मादा का ध्यान खींचने के लिए संघर्ष करते हैं तो वे अपने प्रतिद्वंदियों को धक्का देकर और खींचकर रास्ते से हटा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी गुबरेला के बारे में या डंग बीटल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाला हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।